ईवीएम हटाओ। ईवीएम के खिलाफ लड़ने वाले सारे साथियों, महमूद प्राचा जी, भानु प्रताप जी, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि असली लड़ाई की शुरुआत अब हुई है। ये अभी एक भाई साहब बोल रहे थे, मैं उस न्यूज चैनल का नाम भी बताना चाहता आपको। उन्होंने हमसे ये पूछा कि अंपायर तो आपके खिलाफ है, जुडिशियरी की बात की, सरकार की बात की, बहुत सारे मिशनरी की बात की। तो मैंने उनसे ये पूछा कि लोकतंत्र में अंपायर कौन होता है, आप पहले अंपायर का परिभाषा बताइए। लोकतंत्र में अंपायर कौन है? सरकार है, जुडिशियरी है, लोकतंत्र में जो तंत्र है वो है, कौन है अंपायर? तो आप जिस अंपायर को परिभाषित कर रहे हैं उसकी परिभाषा गलत है। मैं आपको बता रहा हूं कि परिभाषा क्या है। लोकतंत्र का जो परिभाषा है और जो असली अंपायर है वो यहां की जनता है। जनता अंपायर है। ये जो खिलाड़ी जो उधर पार्लियामेंट और असेंबली में जो लोग खेल रहे हैं ना, उस खेल का अंपायरिंग हम करते हैं या कि पब्लिक करती है। हम जिस दिन चाहेंगे तुमको आउट करेंगे। ये बात नोट करो, आप किस पार्टी से अफिलिएटेड हैं, आप किस पार्टी से आपका संबंध है, होने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि हमारी आजादी की गारंटी क्या है, हमारे आजादी की जमानत क्या है। आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं, आप कभी कुछ बात कर रहे हैं, आप माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। भाई एक लाइन बोलो, बैलेट पेपर बोलो, बैलेट पेपर हटाओ। ये सब ड्रामा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। तुम वीवीपैट की बात करना बंद करो। हम चाहते हैं, हम मालिक हैं इस देश के, हम चाहते हैं कि यहां बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। और ये हम यहां के मालिक हैं भाई, इस देश के मालिक हैं हम। तुम हमारे नौकर हो, तुम्हारे हुक्म को मानने के लिए हम नहीं, हमारे हुक्म को तुमको मानना होगा, नहीं तो तुमको निकाल के बाहर फेंकेंगे हम। भाइयों, बहुत तरीके से लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वीवीपैट देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर देखो, और ये देखो वो इधर नहीं हो रहा, ये गारंटी वो कोई गारंटी नहीं है। लोकतंत्र की सिर्फ एक गारंटी है, हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस पे आघात हुआ, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। ये जितने हमले हो रहे हैं, कोई पीछे से कर रहा, कोई अगल से कर रहा, कोई बगल से कर रहा, ये हमले हम देख रहे हैं और लोगों की खामोशी भी देख रहे हैं। हम इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना खेल रहा है, ये सब पे नजर है हमारी। और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये पब्लिक है, बहुत जानती है, बहुत पहचानती है। तुम इनको बेवकूफ मत समझो, मूर्ख नहीं है हम। तुम्हारे खेल को बहुत पहले समझ लिया था हमने, तो थोड़ा सबर किया, थोड़ा इंतजार किया कि अभी से भी तुम समझ जाओ, सुधर जाओ। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। हम तुमको सुधारेंगे, यहां की पब्लिक तुमको सुधारेगी। नंगे पांव लोगों ने 1947 में अंग्रेजों को मार के भगाया था, आज तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हथियार है। अब तुम हमारे सामने कैसे टिकोगे भाई? तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं रुक सकते हमारे सामने। हम तुमको उखाड़ के फेंक देंगे, ये वादा लेने आए हैं आज इधर। और यहां जितने लोग आए हैं हर जिले से, आप एक बात मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो उसने वहां के लोगों से कहा कि तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो ये जमीन हम तुम्हारे लिए तंग कर देंगे।
तो उस लीडर ने ये कहा कि हमने तो ये सुना था कि अल्लाह का बनाया हुआ ये जमीन बड़ा वसी है, बहुत फैला हुआ है। वो तो कहता है कि तुम जहां मर्जी वहां रह लो, तुम कहते हो हमारी जमीन तंग कर देंगे। यही देखना है कि तुम जमीन तंग करते हो कि ये जमीन हम तुमको तंग करके दिखाएंगे, तुमको यहां से निकाल के भगाएंगे। और 20 साल तक लड़ने के बाद 3 बजे रात को अमेरिका अपने फोर्स के साथ बुस्तिल की तरह से रात को निकल गया, मार के भगाया। ये होती है ये जज्बा होता है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जज्बे की जरूरत है। आज हमास एक छोटा सा ग्रुप, दुनिया का इतना बड़ा पावरफुल, ये मोसाद, वो इसराइल, ये अमेरिका, वो यूरोप, ये नाटो, दुनिया जान, सबको नाच नचा के रख दिया छोटे से ग्रुप ने। आप 140 करोड़ भाई, आपको ये चंद लोग कैसे नचा सकते हैं, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा। आप अपने को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और इन बहुरूपियों को आप निकाल के बाहर फेंको। या तो तुम हमारे सामने इस बात का लिखित वादा दो कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, नहीं तो हम यहां से ऐलान करते हैं कि चुनाव हम नहीं होने देंगे, मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। ये लिख लो, नहीं होने देंगे। चाहे इस बात के लिए फांसी पे चढ़ना पड़ा चलेंगे, लेकिन आने वाली नस्लों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, उनके मुस्तकबिल को इंश्योर करेंगे। ये लिख लो, ये नहीं होने वाला है, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। हम तुमको सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे नहीं पता यहाँ किस किस राज्य से लोग आए हुए हैं भाई, लेकिन जो भी आया है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आया है, मैं आपको बताता हूं कि बिहार इस लड़ाई में अग्रणी रोल अदा करेगा। ये लिखिए, हर जिले में इस तरह का एहतजाज, इस तरह की मुखालफत, इस तरह की लड़ाई हम खड़ा करके दिखाएंगे आपको। आप जिस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी भय के, आप अपनी आजादी की सुरक्षा के लिए, अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ईमानदारी से खड़े होइए, तन मन धन से लड़िए। ये लड़ाई आजादी की लड़ाई और गुलामी की लड़ाई है। ये फैसला आपको करना होगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या गुलामी की जिंदगी चाहते हैं। बस इन्हीं साधनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ।